बताते हैं ये काम इच्छा कहाँ रहती है, भगवान एड्रेस बता रहे हैं क्योंकि वो आपका दुश्मन है ना। भगवान ने कहा विद्येनाम हवेरिणाम, तो दुश्मन कहाँ रह रहा है आपको उसकी अड्डा पता होना चाहिए ताकि वहां से आप उसको निकाल सको। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। कि इंद्रिया मन और बुद्धि ये तीन जगह पर काम रहता है। भगवान कहते देखो एक ऐसा राज्य है जिसका जो सेना बड़ा जो मुख्य महामंत्री है ना वो बुद्धि है, वो भी शत्रु की गिरफ्त में आ गया। जो उसके सेनापति है ना उसको भी शत्रु ने अपने ओर करा दिया। और ये जो इंद्रियां जो है वो सैनिक है, बुद्धि क्या है महामंत्री है, मन जो है वो सेनापति है, और जो इंद्रियां है वो क्या है सैनिक है, छोटे छोटे सैनिक है। अब सबके ऊपर काम ने कब्जा कर लिया है, काम बहुत बड़ा शत्रु है, सबने कब्जा कर लिया। अब हमको शुरू कहां से करना चाहिए, कैसे हम उस शत्रु को जीतेंगे। बुद्धि तो सबसे बड़ा है, खतरनाक है, वो तो हमारी बात नहीं मानेगी। मन जो है वो भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म है मतलब उसको भी हम रोक नहीं सकते। यहां पर बैठे हैं कितनी दफा बोलते हैं भाई कथा में आए हो तो मन को, मन की जो भौतिक विचार है उनको बाहर रख के, और फिर भी मन बार बार कभी गुजर जाता है कभी गुजर जाता है, तो मन को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो सैनिक है ना छोटा वो बहुत कमजोर होता है, सैनिक कमजोर होता है, पहले उसको अपनी ओर खींचो। सैनिक क्या है ये इंद्रियां, इंद्रियां मतलब भगवान कहते हैं तस्मात् इंद्रियाणि यादव नियम्य भरतर्षव। हे भरत श्रेष्ठ अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। काम को अगर विजयी करना है, काम वाले शत्रु को अगर परास्त करना है तो सबसे पहले किसको मारो किसको पकड़ो इंद्रियों को। कैसे करो, इंद्रियों को कुछ भी गलत करने की इजाजत मत दो। उसको अगर दिल करता है सिनेमा में मूवी देखने का बोलो नहीं, आपको मंडे है नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करने चलना है तो नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करें भाई। अगर ना थर्सडे है तो वृंदावन चंद्र के दर्शन करना है, अगर फ्राइडे है तो कुंज बिहारी के दर्शन करना है। उसको गलत देखने की इच्छा मत, अगर वो गलत सुनने की निंदा सुनने की इच्छा करता है तो बोलो नहीं। कानों को बोलो सुनना है तो क्या सुनना है, भगवान की कथा सुननी। वो कुछ खाने की इच्छा करता है, यार बहुत दिन हो गए थूम बसर वाला खाना नहीं खाया मैंने, इतना टाइम हो गया ये नहीं खाया, तो बोलो खिलाऊंगी तो वही जो भगवान खाएंगे तो तुमको नहीं खिलाएंगे। अगर कुछ और बात करने की दिल करे तो बोलो बोलना है तो क्या बोलना है, अभी देखो भगवान ने ये आपको जीतने का किस तरह से हम काम रूपी जो दुश्मन है उससे जीत सकते हैं उसका उपाय बताया है कि पहले हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है।